2020 में जो MCI का टेस्ट हुआ था, जो टेस्ट फॉरेन से MBBS करने के बाद यहाँ पर आके स्टूडेंट्स को देना पड़ता है, तो उस टेस्ट में लगभग 18 या 19,000 के समथिंग बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था जिनका MBBS फॉरेन से कंप्लीट हो चुका है। अब उन्होंने जब यहाँ पर आकर के एग्ज़ाम दिया तो कैंडिडेट थे 19,000 के अप्रॉक्स, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसके अंदर पास कितने हुए, लगभग 1,500 बच्चे। मतलब 1,500 बच्चे, मतलब मैं कह रहा हूँ कि लगभग 1,500 के समथिंग बच्चों ने वो एक टेस्ट पास किया। तो जो बच्चे हैं, जो बच्चे फिर वो कहाँ जाएंगे, वो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करेंगे, फिर और उसमें जो पास नहीं हुआ वो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करेगा। मतलब कुल मिलाकर के ये बात आ रही है कि वहाँ से आने के बाद यहाँ पर जो MCI का टेस्ट देना पड़ रहा है, तो उसमें जो एब्रोड का क्वालिटी एजुकेशन है वो कितने प्रतिशत ये मायने रख रहा है कि यहाँ के टेस्ट को वो जो बच्चे हैं वो क्लियर कर सकते हैं। मैं कुल मिलाकर के आपको बता रहा हूँ, ये बात कोई नहीं बताएगा, है ना, बिल्कुल कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, सभी को मतलब लाख लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 2-2 लाख रुपये मिलते हैं कंसल्टेंट्स को, एजेंट्स को और कुछ चैनल्स वालों को, कि वो बच्चों को जो है एब्रॉड के लिए प्रोत्साहित करें या एब्रॉड भेजें। और उस चक्कर में वो लाख 1.5 लाख रुपये के चक्कर में बच्चों को जो है कहाँ भेज देते हैं, एब्रॉड भेज देते हैं। पहले तो बता दिया पैकेज 20 लाख का है, 25 लाख का है, लेकिन जब वो स्टूडेंट एब्रॉड चला जाएगा तो एब्रॉड जाने के बाद में पता चलेगा कि 25 लाख का तो सिर्फ पूरा पैकेज आ रहा था, लेकिन वहाँ पे आना जाना एक्सपेंस वेक्सपेंस करते करते उसको 10 से 12 लाख रुपये तो एक्स्ट्रा लगते ही लगते हैं, है ना। तो मतलब एक्स्ट्रा लगे। अब उसके बाद अभी एक नया रूल आया, नया रूल सुनो क्या है कि नए रूल के अनुसार ये बताया गया है कि वहाँ से 4.5 साल का कोर्स, 1 साल की इंटर्नशिप वहीं पर हो जाएगी, और फिर उसके बाद इंडिया में 1 साल की इंटर्नशिप करना पड़ेगी। मतलब लगभग कितना हो गया, 6.5 साल, और एक्स्ट्रा मिला करके छुट्टी वगैरह 7 साल, मान लो 7 साल में पूरे कंप्लीट होंगे, लेकिन फिर भी डॉक्टर नहीं बने, 7.5 साल लगेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एम्स, वो जो नेक्स्ट होगा, पहले एम्स आया तब नेक्स्ट हो गया, तो नेक्स्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, सिर्फ नेक्स्ट के लिए एलिजिबल होंगे आप 7 साल के बाद, फिर नेक्स्ट होंगे। अब नेक्स्ट का मैंने आपको भी रिजल्ट बता दिया कितना कितना बना था, मतलब कुल 1,500 बच्चे पास हुए थे, मतलब मुश्किल से मुश्किल 9 से 10% रिजल्ट आ रहा है MCI का। तो आप क्वालिटी का या कितनी एजुकेशन क्वालिटी रही होगी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। फिर उतने बच्चे जो है यहाँ पर आकर के MCI वो देंगे नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ जो रहेगा वो डबल से तैयारी करेंगे। मतलब लगभग एक अच्छे से अच्छा डॉक्टर कंप्लीट बनने में 8 से 9 साल, तो 8 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, मिनिमम 8 साल लग जाएंगे। उसके बाद फिर का कितना आ गया एक्सपेंस, 30 से 35 लाख रुपए का एक्सपेंस हो गया। 8 साल का टाइम गया अलग, 30 से 35 लाख रुपए का एक्सपेंस एक्सपेंस हो गया वो अलग। लेकिन अगर 12th के बाद में यही अगर बच्चा पढ़ने वाला हो और वो ड्रॉप लेकर के फिर से तैयारी करेगा तो उसको तो इंडिया में ही मिल जाएगा, है ना। और मैं पूछता हूँ बच्चे वहाँ के, कुछ कुछ बहुत बताते हैं कि सर यहाँ तो जो है पढ़ाई नहीं होती है, बस हॉस्टल में है, गए जो पढ़ा दे वो पढ़ा दे। और वहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर 12th में जिनको सप्लीमेंट्री आई थी, नीट में जिनका 165, 170 या 150 या 135 था, वो बच्चे वहाँ पे जाके फर्स्ट ईयर भी निकाल लिए, सेकंड ईयर भी, थर्ड ईयर भी, फोर्थ ईयर भी निकाल लिए। तो यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि क्वालिटी एजुकेशन क्या हो। हाँ, अगर आपके पास फाइनेंशियली बहुत ही अच्छी मजबूती है, बहुत ज़्यादा ही पैसा है, और उसके बाद में पैसा होने के साथ में आपका माइंड सेट भी अच्छा है, माइंड सेट के साथ में आपकी स्टडी भी अच्छी हो, तो यहाँ की बुक्स ले जा करके वहाँ पे प्रिपरेशन करके आप वहाँ चले जाओ, उसमें कोई मना नहीं, आप जाओ वहाँ से कर लो। लेकिन उसके लिए आपके पास फाइनेंशियली भी बहुत मजबूती होनी चाहिए, और उसके साथ में फिर आप एक अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी होना चाहिए। और फिर सीधी सी बात, अगर पढ़ने वाला होता तो यहीं करता, वहाँ नहीं जाता, ये बात भी समझ में आती है, है ना। तो मैं बता रहा हूँ, कभी भी आपके पास फोन आता है फॉरेन जाओ, एब्रोड जाओ, यहाँ रशिया जाओ, यूक्रेन जाओ, तो ये बता रहा हूँ बहुत ही विवेक के साथ, बहुत ही सोच समझदारी के साथ डिसीजन लेना, है ना बेटा। पूरी लाइफ छंड हो जाती है, पूरी लाइफ खराब हो जाती है अगर वहाँ पे एडमिशन एक बार बच्चे ने ले लिया तो, नहीं निकल पाता, बहुत मुश्किल हो जाती है। बता दिया मैंने 10% रिजल्ट निकला MCI का 2020 में, 10%। पैसा अलग लगे, बाकी के बच्चे कहाँ हैं, उनका कुछ पता नहीं, प्रिपरेशन कर रहे हैं कि इंटर्नशिप कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, है ना। इसीलिए ये एजेंट्स जो है कंसल्टेंट्स, इनके लाख 1.5 लाख रुपए के चक्कर में आपको यहाँ से भेज देते हैं, इनका तो काम हो जाता है, उधर आपका फिर फ्यूचर दाव पे लग जाता है, करे तो करे या क्या नहीं करे। इसके लिए ईमानदारी से बता रहा हूँ, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना, ड्रॉप ले लेना यहीं से करना, BDS कर लेना, BMS कर लेना यहीं से करना, यहीं से, समझ रहा हूँ।